स्वस्थ रहे। आज कैसे आना हूं? बलदेव राज ने तेरे को टोका नहीं कि ताऊ के पास मत जाना, पता नहीं जहर खिला देगा। मैं उनके लिए नहीं, अपने और प्रगति के लिए आया। तुम्हें और प्रगति को क्या प्रॉब्लम है? बैठो। वैसे तो तुम शिष्टाचार था। हाँ, अब ठीक है, गॉड ब्लेस यू। मुझे लगा कि भूल चुके हो। 5 साल में हाँ बाप की रंगत में आके सारा कुछ भूल गए, है कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं। बल्ला कैसा है? ठीक है। प्रमिति की शादी करो, बड़ी अच्छी बात है। उसकी शादी की उम्र हो गई है तो करनी ही चाहिए। जितनी जल्दी हो जाए बच्ची की शादी करो। चाहते हैं कि आपकी शादी में प्रमिति चाहती है। तेरा बाप नहीं चाहता है? तेरा बाप नहीं चाहता? उनको भी काफी समझाया। हाँ, वो नहीं माना। वो नहीं मानता है ना, क्योंकि उसकी नाक धस जाएगी, उसकी इज्जत चल जाएगी बड़े भाई को बुलाने में, है कि नहीं? वो तो तुझे मालूम है ना कि बिजनेस में वो अपने आप को मेरा बाप समझता था, मालूम है ना तुम्हें? है ना, हर बात पे मेरे से पूछे बगैर नहीं कर सकते। मैं पार्टनर हूँ, मैं बराबर का हिस्सेदार हूँ, मैं कर ले हिस्सेदारी। देख बेटा, तू जितनी मर्जी बातें बोल, बोलने के बगैर तो मैं वो जब तक आके नाक नहीं रगड़े कि भाई साहब मेरे से गलती हो गई, मैंने गलत काम किया, तब तक तो मैं तुम लोगों के साथ में, बेटा तुम्हारे साथ तो मेरा जन्म का रिश्ता है, उसके साथ भी है, लेकिन तुम लोगों को मैंने अपनी गोद में खिलाया, लेकिन तब तक मैं किसी के साथ कोई रिश्ता रखने वाला, ये बात समझ लो। पापा क्या उनकी वजह से हम आपसे माफ होंगे? कसूर कोई करे और फांसी कोई चढ़े, ऐसा कोई होता है? नाथुराम गोडसे ने गोली मारी महात्मा गांधी को, तो फांसी वो मोहनलाल को देनी चाहिए थी। वो तो नाथुराम को ही मिलनी चाहिए ना। तो ये बल्ला जो अपने आप को बहुत तीस मार का समझता है, अपने आप को उस्ताद बना फिरता है, वो अगर आके इनवाइट करे, क्योंकि उसकी इज्जत उसकी शान घटती होगी ना यहाँ तक आने के लिए। क्या है, तू कुर्सी लेके बैठ आराम से। मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे प्यार में कोई कमी आई है? तुम्हारा प्यार अपनी जगह है, लेकिन व्यवहार अपनी जगह है। व्यवहार समझते हो? तो मैं अगर उसने मुझे इनवाइट नहीं किया तो मैं आ कैसे सकता हूं, पहले वो बताओ। किसी ने मुझे, अगर घर के मुखिया ने इनवाइट नहीं किया, मैं कैसे आ सकता? सोचो। मुझे लगता है वो दिल से तो बहुत चाहते हैं कि आप आए, वो ये दीवार से ऐसे आने में उसके पैरों में मेहंदी लगी है। तो पैरों की मेहंदी वो प्रमिता के लगी है कि तेरे बाप के लगी है? लगी तो प्रमिता के। फिर क्या करूं मैं? अब हम दोनों के लिए आपको आना हो ही नहीं सकता। मैं तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उसके घर में तुम्हारा मेहमान बन के नहीं आ सकता। तुम अपना घर अलग ले ले, तुम अपना घर अलग ले लो, मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, तुमको मिलने आ जाऊँगा। प्रमिति मेरी बेटी है, मैं उसको मिलने आ जाऊँगा, उसके घर पे आ जाऊँगा। उसको बोला अलग रह जा अपने, मैं तुम्हारे बाप का तुम्हारा मेहमान नहीं बन सकता मैं। उसने जिस तरह से, तुझे मालूम है मैं उंगली पकड़ के उसको बिजनेस में लाया था, और 100 रुपये महीने की नौकरी कर रहा था वो, 100 रुपये महीने की। मैंने कहा चल उठ मेरे साथ बिजनेस पे बैठ, इज्जतदार बन। वो इज्जतदार क्या बना, वो मेरा बाप बन गया, वो तो ठेकेदार बन गया मेरा। देख बेटा, मैं वहां नहीं जा सकता हूं। तुलसीदास जी ने कहा है, आते ही हर्षे नहीं
नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे मेघ। भगवान तुलसीदास जी को मैं भगवान का रूप मानता हूँ। उन्होंने कहा है कि तुलसीदास जी ये कहते हैं कि जहाँ पर आते ही इंसान आपको देख के खुश नहीं हुआ और आँखों में उसके स्नेह नहीं है, प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तुलसी वहाँ ना जाइए, उधर ना जाओ, चाहे वहाँ पे सोना बरसता हो। ये बट रहने तो बेटा, ये मैं तो नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने उन्हें देखा है आपके, आपको याद करते हुए। क्यों, मेरी फोटो पे आरती उतारता है वो? तो मरने के बाद करें ना वो आरती वारती, अगर कोई नहीं पूजा करनी तो अभी क्यों करने की जरूरत, जीते जी तो कुछ भी फायदा नहीं। मैं आ ही नहीं सकता हूँ तो इनवाइट क्यों कर रहे हो? तो प्रमिति भी साथ आई है। हाँ बोलो। आप आ रहे हो ना? शादी मेरी है, पापा की नहीं है, मेरी है, मैं आपको बुलाने आई हूँ। तो 5 साल में एक बार भी नहीं? मैं आपको हर रोज याद करती हूँ, हर रोज। एक दिन नहीं होगा जिसमें मैंने आपको याद नहीं किया। I love you. I love you बेटा। तुम लोग के लिए मैं आऊंगा। मैं अपनी गुड़िया को थोड़ी छोड़ सकता हूँ। एक काम करना, अपने बाप को मत बताना कि ये कार्ड तुम लोगों ने मुझे दिया, कि बता के आए हो। बताना मत। कुछ भी नहीं होगा। उसको मत बताना, मैं आ जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा, तुम्हारे ढेरों के समय में आऊंगा। तुम्हारी चलो अभी तुम लोग जाओ, और तुम तो अपनी शादी का इनविटेशन मुझे देने आई थी। अंकल आई लव यू। चलो आप लोग जाके तैयारी करो। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू बेटा।